ओम शांति। आज 9 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य है, मिठे बच्चे तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना, मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बात कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालीग्राम, जिनका यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा। आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर, मरने समय भी कहते हैं हे भगवान हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। यह किसको पता नहीं है, लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतु रजु तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तुम सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने
पुनर्जन्म लिया सतु प्रधान से सतु सतो से रजो तमो में आए इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है, उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, यह है मृत्युलोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी है विशियस वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, यह दादा वह दादा यानी ग्रैंडफादर। वर्षा दादी का मिलता है, दादी की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉडफादर। यह यानी प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। दादी की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो, मनुष्य से देवता किए करतना लागीवार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहिब को तो सुख मिले, उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले, अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहां आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाट बजाते हैं, यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है, इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में
मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान उवाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भर जाऊं परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है।
बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो यह माला किसकी बनी हुई है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थी ना प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र था। अभी तो पतित है, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलमिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगतिदाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है, देवताएं पवित्र है ना। उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही
वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता देहत का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजम देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमोप्रधान आत्मा सतोप्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना, यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन है अपनी तपस्या द्वारा शांति के